सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपकी टू चैनल। दोस्तों आज की सुन फ्रेंड्स बताना, अगर आप एक पीएफ होल्डर तो अपने अपने ईपीएफ अकाउंट के साथ नॉमिनेशन ऐड नहीं किया तो किस तरह से अपने ईपीएफ के साथ नॉमिनेशन ऐड करेंगे आज की इस सुन फ्रेंड्स दिखाने लो। ईपीएफ अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड करने का बहुत सारा बेनिफिट फायदे रहता है। अगर यहाँ पे ईपीएफ अकाउंट का यहाँ पे पासबुक ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे ईपीएफ पासबुक यहाँ पे ओपन नहीं हो पाए क्योंकि आपने यहाँ पे ई नॉमिनेशन ऐड करके नहीं रखा, इसलिए आपका पासबुक वहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा। सो आज की सुन फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ ईपीएफ अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन कैसे ऐड करेंगे, नॉमिनी कैसे ऐड किया जाता है घर बैठे। आज की सुन फ्रेंड्स दिखाने लो, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में यहाँ पे घर बैठे यहाँ पे बिना कोई खर्च लगाए यहाँ पे अपने ईपीएफ अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। सो आज की सुन फ्रेंड्स दिखाने वाले पीएफ अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड कैसे करेंगे आज की इस सुन पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको इस साइट पर आ जाना पड़ेगा। इस साइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ओपन करें इस तरह का यूजर इंटरफेस खुलकर आपके पास रिडायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा फिल करना, इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से दोनों डिटेल्स को यहाँ पे फिल करता हूँ। जो कैप्चा यहाँ पे कैप्चा को यहाँ फटाफट से मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल किया, स्मॉल कैपिटल में है, इसी तरह का आपको यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन इन के ऑप्शन जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ गलत है, चलिए यहाँ पे मैं सही से इसको यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा यूएन अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, इस तरह का लेटर आपके पास खुल के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे फाइल को यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कट के क्लिक कर देना पड़ेगा। इस तरह का प्रोफाइल आपके पास खुल के देखिए यूएन नंबर आपका नेम डिटेल्स खुल के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन एड करने देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्यू का। देखिए यहाँ पे मैनेज का आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे देखिए ई नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग है। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे रेड कलर का खुल करता हो तो यहाँ पे इनेबल टू प्रोशीट प्लीज़ अपलोड टू योर प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन जाएगा देखिए व्यू पे, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे ऐड करके नहीं रखी आपने, इसलिए आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाया। आपको पहले प्रोफाइल अपनी फोटो यहाँ पे अपलोडिंग करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्रोफाइल खुलेगा। देखिए आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, देखिए आपको यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे फोटो अपना ऐड करके नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है। देखिए आपको इस बॉक्स में आपको अपना फोटो यहाँ पे क्लिक अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पे चेंज फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस फाइल में भी आपका यहाँ पे फोटो रखा है देखिए आपको फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए आपका फोटो जेपीजी पीएनजी में होना चाहिए, कौन सा साइज फोटो होना चाहिए वो फोटो का साइज आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये फोटो का साइज आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा, ये फोटो के आपके साइज इतनी पूरा दोनों कान आपको दिखना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको अपने फोटो में दिखाना चाहिए। इसी का ऑप्शन देखिए आपको इसके ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपको सारी चीज़ आपको ध्यान से देख, इसके लिए अपनी फ़ोटो की लोकेशन देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको ब्राउज़र का ऑप्शन है, ब्राउज़र के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो इस लोकेशन में आपको आप यहाँ पर फोटो रखा, फोटो का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जेपीजी एनजी में होना चाहिए आपका फोटो, यहाँ पे सारी फोटो अपलोडिंग होना चाहिए। इसका देखिए आपको प्रीव्यू का ऑप्शन है, देखिए आपका प्रीव्यू या फोन फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसका देखिए आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फोटो आपका अपलोडिंग यहाँ पे हो रहा है, देखिए फोटो यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे आपको मैनेज के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इनोमिनेशन के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको प्रोफाइल यहाँ पे खुल के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हो चुकी है। देखिए आपको देखिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल के यहाँ पे डायरेक्ट आपको करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लीज़ सेव एड्रेस फॉर नॉट यूएन इन प्रोफाइल, यानी कि आपके यूएन अकाउंट के साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं है, यानी कि ऐड यहाँ पे ऐड नहीं किया है कोई। देखिए आपको यहाँ पे इसके लिए आपको प्रोफाइल में अपना यहाँ पे एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, तभी आगे का प्रोसेस आप यहाँ पे देख पाएंगे एड्रेस कैसे ऐड किया जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको इसी के आगे में देखिए यहाँ पे देखा जाएगा, देखिए व्यू प्रोफाइल पेज, यानी कि आपको देखिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए देखिए आपका यहाँ पे परमानेंट ट्रेडिस यहाँ पे करंट ट्रेडिस से कोई भी आपको ऐड नहीं, देखिए आपको यहाँ पेंसिल का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के देखिए आपको यहाँ पे इसी में एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जो आपको एड्रेस मांगा जाएगा एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिल करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे करेंट एड्रेस आपका सेव है तो देखिए आपको यहाँ पे छोटा बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ से अनटिक करना। अगर यहाँ पे आपका करेंट एड्रेस परमानेंट से अलग है तो इसको अनटिक करना। अगर यहाँ पे परमानेंट करेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलेंगे, इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर,
जैसे मैंने परमानेंट एड्रेस डाला यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट एड्रेस में वही डिटेल्स आ गई, पूरी डिटेल्स होने फिर इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एड्रेस सेव सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल के रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दिया गया, एड्रेस सक्सेसफुल, पूरा एड्रेस आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे देखिए ई नॉमिनेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे खुल के यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ जो ने अपने यहाँ पे करंट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करा वो परमानेंट करंट एड यहाँ पे सो रहा है। अगर यहाँ पे आपकी देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ प्रोफाइल फोटो यहाँ पे एड्रेस सारा कुछ यहाँ पे सेव रहेगा तो आपको यहाँ प्रोसीड का बटन आ जाएगा, आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए थोड़ा देर लोडिंग लगा, इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे खुलकर देखिए आप एक प्रोफाइल यहाँ पे डिटेल्स सेव सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए यस नो का बटन आपको देखिए यहाँ पे इस तरह का यस नो का बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यस नो का बटन आपको देखिए यस के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये लोडिंग यहाँ पे लेगा, आपका इस तरह का प्रोफाइल खुल के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे फैमिली डिक्लेरेशन हैविंग फैमिली देखिए ऐड फैमिली डिटेल्स, यानी कि आप जिसको भी नॉमिनी यहाँ पे बनाना चाहते हैं उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देखिए जिसको नॉमिनी बनाएंगे इसका देखिए यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में क्या नाम हुआ नाम फिल करना पड़ेगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या मेल है फीमेल वो चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिलेशनशिप इसमें आपको क्या वो लगता है इसकी रिलेशनशिप आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे जो आधार कार्ड में डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है वो फिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे सेम है मेंबर एड्रेस, यानी कि अगर आप जो आधार कार्ड से जो आपका सेम है तो अगर सेम है तो ये टिक करेंगे या जो आपका एड्रेस वहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे वो डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे चूज़ करेंगे, इसका स्टेट क्या हो स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे, इसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट क्या हो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए आपको पिन कोड यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल, अगर आपका सेम है तो इसको सेम ही रख देना है। देखिए आपको जिसको भी नॉमिनी बना रहे देखिए यहाँ पे इसका फोटो यहाँ पे अपलोडिंग करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, इसके बैंक जिसको भी नॉमिनी बना रहे इसका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा आपको जब भी यहाँ पे नॉमिनी बना रहे इसको बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, अगर बटन नहीं आ रहा तो उसको ऐड कर लेना चाहिए आपको नॉमिनी यहाँ पे ऐड। यहाँ पे फोटो अपलोडिंग के देखिए क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, आपको जहाँ भी फोटो रखा है वो फाइल आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। जिस फाइल में आपने फोटो रखा है फोटो यहाँ पे फाइल करेंगे, यहाँ पे इसका फोटो यहाँ पे अपलोडिंग करेंगे, इसके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे शो होने लगे। देखिए यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू क्लिक कर दोबारा फोटो यहाँ पे मंगा सकते हो दोबारा डबल फोटो। देखिए यहाँ पे फोटो आ चुका है, देखिए अपलोड फोटो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फोटो देखिए अपलोड सक्सेसफुल ओके पे क्लिक कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है पूरी सही तरीके से। देखिए यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लिया है जिसके नाम से नॉमिनी बना रहा हूँ, आधार नंबर इसका नेम क्या आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मेल है फीमेल वो चूज़ कर लिया, यहाँ पे रिलेशनशिप इसका क्या है चलिए मदर है वो चूज़ कर लिया। अगर एड्रेस आपका आधार कार्ड सेम है तो ये ऑप्शन टिक कर देना पड़ेगा, दूसरा चेंज है तो इसको टिक करके वे एड्रेस का आपको फिल कर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है तो ऐड कर लेना चाहिए, आपको बाद में बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना चाहिए। पूरी चीज़ यहाँ पर हम फिल कर उसको नीचे एक साइड यहाँ पे आएंगे, देखिए अगर किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं देखिए यहाँ पे ऐड नाउ का ऑप्शन ऐड रो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो किसी को दोबारा से यहाँ पे एक से ज़्यादा नॉमिनी यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी मैंने डिटेल्स यहाँ पे मैंने फिल कर लिए। इसका देखिए आपको यहाँ पे एक बॉक्स का बटन मिलेगा, इसको आपको टिक कर देना पड़ेगा। इस पर टिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन पे इसे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर थोड़ा देर यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है आपके पास, यहाँ पे देखिए थोड़ा देर आपको वेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ समय थोड़ा ये यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नॉमिनी ऐड करा देखिए यहाँ पे फैमिली डिटेल्स सेव सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। देखिए जो मैंने यहाँ पे नॉमिनी ऐड करा पूरी तरीके सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद नीचे में आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नॉमिनी मैंने ऐड करा यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे इसका आधार नंबर यहाँ पे देखिए इसका नेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है चलिए वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ उसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखिए आपको सिलेक्ट नीचे देखिए एक छोटा बॉक्स है, इसको आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसको अनचेक नहीं है इसको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर ऐड कर रखा है यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, इसको यहाँ पे टिक करना है। अब इसके साथ कितना आपको यहाँ पे अमाउंट शेयर करना है, अगर यहाँ पे एक से यहाँ 50% भी 100% भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक को ऐड करा था यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे 100% ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा करेंगे तो 50 भी ले सकते हैं, चलिए यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका देखिए यहाँ पे सेव ईपीएफ
नॉमिनेशन, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग लगेगा, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे आना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपने ईपीएफ की नॉमिनी यहाँ पे ऐड करा हुआ ऐड हो चुकी है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ईपीएस नॉमिनी ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई अलग रखना चाहिए तो रख सकते हैं। चलिए जो मेरा ईपीएफ का नॉमिनी है वही सेम यहाँ पे पूरा फिल करना, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, यहाँ पे जनरल, यहाँ पे क्या पूरा पूरा एड्रेस पे जो फिल करना वो करेंगे, यहाँ फोटो अपलोडिंग करेंगे। इसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे आपको ये चेक करना। इसके बाद देखिए सेव ईपीएस नॉमिनी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। देखिए जो मैंने वहाँ पे ईपीएस डिटेल्स फिल कर, देखिए यहाँ पे ईपीएस डिटेल्स सेव सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका। अब देखिए आपको इस तरह का बटन यहाँ पे आपको पास यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे व्यू का बटन है, व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे जो आपका यहाँ पे पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखा, जो आपने नॉमिनेशन यहाँ पे ऐड करा है मदर की, वहाँ पे यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसको आपको यहाँ पे सेव भी कर लेना पड़ेगा आपको, जिसमें सेव कर कर रखना, सेव आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे मांगे, देखिए यहाँ पे आपको एडिट का बटन, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट कर, यहाँ पे ई साइन इन का, देखिए ई साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल कर यहाँ पे रिडायरेक्ट आपको करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस पर टिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हस्ताक्षर आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, इस तरह का बटन खुल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर, वर्चुअल या एनरोलमेंट आई डी, यहाँ पे देखिए आपको ई साइन करना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर, अगर आपको वर्चुअल आई डी मालूम नहीं थी, देखिए यहाँ पे गेट वर्चुअल, यहाँ से वर्चुअल आई डी मांगा। चलिए यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देता हूँ। आधार नंबर फिल करें, देखिए आपको यहाँ पे ओटीपी डाला, ओटीपी आपको ओटीपी डाल के आपको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए पूरी डिटेल्स फिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ओटीपी मैंने फिल कर दिया, चाहिए बटन को यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। देखिए जो मैंने ई हस्ताक्षर यहाँ पे करा था, देखिए पीडीएफ सेव साइनिंग सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बैक एंड में देखें यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड सक्सेसफुल, आपका यहाँ पे जो नॉमिनी आपने ऐड करा वो यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। अब आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना, अब यहाँ पे आपको वेटिंग करना पड़ेगा कुछ समय, यहाँ पे कुछ देर आपको वेटिंग करना पड़ेगा, कम से कम 1 वीक से आपको वेटिंग करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे जो ई नॉमिनेशन आपने ऐड करा है वो सक्सेसफुल यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाए। आप सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे अपने ईपीएफ अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। सो आपकी वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।